हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल किचन क्वीन। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शाही पुलाव। शाही पुलाव कैसे बनाते हैं मेरे स्टाइल में। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और हाँ, रेसिपी को घर में ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक कटोरी दही चाहिए है, एक बड़ा कटोरा मटर का चाहिए है, तीन छोटे चम्मच हमको लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए फ्रेश, ये गरम मसाले चाहिए, दो छोटी इलायची है। गरम मसाले आप सब देख लीजिए, फूल चकरी है। और अगर आपके पास इसमें कोई इंग्रेडिएंट नहीं है तो आप उसमें अवॉइड भी कर सकते हैं। पर ये चाहिए हमको 250 ग्राम। ये बे लीव्स हैं, हरी मिर्चें हैं, पीली मिर्च है, ये किशमिश है, काजू है, बादाम है और कटा हुआ प्याज है। ठीक है, और ये एक घंटे के भीगे हुए हमारे पास चावल है। चावल जितना अच्छा होगा आपका पुलाव आपका उतना ही बेहतरीन होगा, बहुत जायकेदार होगा चावल की। इसलिए चावल अच्छा, जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका पुलाव बनेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। हम इसमें डालते हैं अपने इंग्रेडिएंट। सबसे पहले हमें डालनी है इसमें प्याज। ठीक है, प्याज को हल्का सा हमें गोल्डन करना है। लास्ट में पनीर ऐड करेंगे।
हम इसमें अपना पनीर ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा चला, ज़्यादा नहीं चलाना है वरना हमारा पनीर छूट जाएगा। आप चाहो तो पनीर को फ्राई करके डाल सकते हो, लेकिन मैंने पनीर को फ्राई करके नहीं डाला है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है और खिंचने लगता है पनीर। ये देखिए, इसमें मेरा चार कप पानी हो गया, पानी में खौल आ जाएगी तब मुझे इसमें चावल।